नमस्कार दोस्तों, आरके मौर्या कॉमर्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में व्यक्तियों पर कर दायित्व की गणना कैसे करते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम निकालते हैं। टोटल इनकम के निकालने के बाद हम लोग कर दायित्व की गणना करते हैं। तो पूरा प्रश्न सबसे अच्छे से सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद हमें मालूम पड़ जाएगा कि प्रश्न में क्या क्या बोला है, उसी के आधार पर हम पूरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, श्री रविशंकर जिनकी आयु 70 साल है, 70 वर्ष है, जिस व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक 80 वर्ष से कम होती है उसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक के लिए अलग स्लैब है, सामान्य नागरिक के लिए अलग स्लैब है, अति वरिष्ठ नागरिक के लिए अलग स्लैब है, जिसके आधार पर टैक्स की गणना की जाती है। पहला है, संगीतज्ञ के रूप में पेशे से आए 3,89,000 रुपया, विदेश में अर्जित एवं प्राप्त जो भारत में लाई गई 1,60,000 रुपया, सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज 17,000 रुपया, गत वर्ष में राष्ट्रीय बचत पत्रों से उपार्जित ब्याज 17,000 रुपया। इन्होंने गत वर्ष में निम्न भुगतान किया है, राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गमन क्रय के लिए 10,000 रुपया, स्वयं की जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम का भुगतान यानी कि किस्त का भुगतान 6,000 रुपया, सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा कराए 10,000 रुपया, अपने बच्चों का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम चेक द्वारा चुकाया 9,000 रुपया, अपने निवास हेतु किराए के मकान में किराया चुकाया 56,000 रुपया, कर निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय एवं देय कर की गणना करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, पूरे प्रश्न को हमने पढ़ दिया है। आपको सर्वप्रथम अपनी कॉपी में लिखना है कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, उसके बाद फॉर द असेसमेंट ईयर टोटल इनकम की गणना करनी पड़ती है। जैसा कि आपको पता ही है, टोटल इनकम के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, पांचों शीर्षकों की इनकम को हम जोड़ते हैं। आपको यहां पर ध्यान देना है, इनके पास इनकम फ्रॉम सैलरी की कोई इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम नहीं है। इनकी जो शुरुआत की जाएगी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। प्रोफेशन में इनका दिया गया ही म्यूजिशियन है। क्या है? म्यूजिशियन है, संगीतज्ञ, संगीत वाले हैं। लिखा जाएगा ऐसे, लिख दीजिए म्यूजिशियन, MUSICIAN, MUSICIAN। म्यूजिशियन जो दिया गया है प्रश्न में, कितने रुपए का दिया गया है म्यूजिशियन? म्यूजिशियन जो दिया गया है 5,49,000 रुपया, 5,49,000 रुपया। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अदर सोर्सेस की इनकम दी गई है, अदर सोर्सेस की इनकम दी गई है, अन्य साधनों से आय की इनकम दी गई है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस दिया गया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको ध्यान देना है क्या क्या रहता है। कोई ब्याज, कहीं पर पैसा जमा किया है वहां से कोई ब्याज मिले, तो इनको जो मिला हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से 17,000 रुपया, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
17,000 रुपया। उसके बाद आपको यहां पर ध्यान देना है, इन्होंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से 17,000 रुपया इंटरेस्ट कमाया है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 17,000 रुपया यहाँ से भी कमाया है। उसके बाद प्रश्न में कहते हैं कि उन्होंने 8वां निर्गमन 10,000 रुपया प्रीमियम का भुगतान किया है, ये सब की छूट मांगेंगे, छूट इनको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, छूट इनको धारा 80C के अंतर्गत दी जाएगी। 17 इसे जोड़ लेंगे, इसको थोड़ा अंदर लिख के यहाँ 34,000 लिख के तब जोड़ेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, 5,49,000, यहाँ 34,000 यहाँ सटा दो। जब यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर हम जोड़ के आपको बता रहे हैं कितना आ रहा है, 5,83,000। इसे कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, ये आपका मामला हो गया। इतना लेस किया जाएगा, डिडक्शन सेक्शन 80C के अंतर्गत डिडक्शन रखा जाएगा। डिडक्शन कौन कौन सा मिलेगा आपको ध्यान देना रखें, इन्होंने क्या क्या किया है 80C के अंतर्गत छूट इनको मिलेगी, 80C के अंतर्गत इनको जो छूट मिलेगी उसमें आपको ध्यान देना है, इन्होंने 17,000 रुपये का जो NSC पर इन्हें ब्याज मिला हुआ है, जो इनको ब्याज मिला हुआ है उसकी छूट मिलेगी 80C के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा छूट थोड़ी लंबी है, इंटरेस्ट ऑन NSC 17,000 रुपये जो ये ब्याज मिला है इसकी छूट मिल जाएगी। उसके बाद NSC परचेज किया है इन्होंने, कितने का परचेज किया है क्वेश्चन में देख सकते हैं, ख़रीदा हुआ है 10,000 रुपये का, इसकी भी छूट मिल जाएगी। उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 10,000 रुपया पेमेंट किया है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितना पेमेंट किया है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 10,000 रुपया पेमेंट किया है, PF में 10,000 रुपया पेमेंट किया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है 6,000 रुपया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, 6,000 रुपया ये धारा 80C के अंतर्गत कटौती मिल रही है इनको, आपको एक बार फिर से ध्यान देना है, इंटरेस्ट ऑन NSC 17,000 रुपया, NSC परचेज किया 10,000 रुपया, PF पर 10,000 रुपया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 रुपया, 10, 10, 20, 20, 10, 30, 30, 37, 37, 6, 43,000 रुपया, 43,000 रुपया ऐसे हम यहाँ लिखते हैं भी। अब उसके बाद आपको ध्यान देना है हेल्थ प्रीमियम जमा किया है 9,000 रुपया इन्होंने, हेल्थ प्रीमियम ए धारा 80D के अंतर्गत छूट मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80D के अंतर्गत कितने की छूट मिलेगी, 9,000 रुपये की छूट मिलेगी। आपको यहाँ पर ध्यान देना है धारा 80D के अंतर्गत कटौती हो गई, ये जो प्रश्न में दिया गया है कि भुगतान कर रहे हैं किराए का 56,000 रुपया, जब किराए का भुगतान 56,000 रुपया किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कितना भुगतान किया जा रहा है, 56,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, खुद का रेजिडेंट है, खुद का मकान है, धारा 80G के अंतर्गत आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रेंट पेड सेक्शन 80GG के अंतर्गत। जब आप पढ़ेंगे कुल आय के संबंध में कटौतियों की गणना कैसे की जाती है तो धारा 80GG जाएंगे। एक व्यक्ति अगर कोई है, कोई एक व्यक्ति है गैर वेतन भोगी का मतलब उसे वेतन नहीं मिलता, इनको वेतन कहीं पर नहीं मिल रहा है, ठीक है,
मकान किराया भत्ता न प्राप्त करने की दशा में, मकान के किराए पर किया गया व्यय जो कुल आय से के 10% से अधिक हो, एक वेतन भोगी ना हो जो मकान किराया भत्ता जिसे ना मिलता हो, वेतन का 10% कुल आय का 10% रखा जाता है। इसके संबंध में नियम है कटौती कितनी मिलती है। कटौती के लिए कहा है अधिकतम कटौती दे किराए के कुल आय के 10% अधिक के अथवा कुल आय का 25% अथवा 5000 तीनों में जो कम होगा कुल आय से आशे सकल कुल आय में से 80% से 80% की कटौती घटाने के बाद। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता देते हैं गैर वेतनभोगी के लिए क्या होता है। गैर वेतनभोगी के लिए आपको समझना है तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा निम्न में से जो कम होगा वही इनको छूट मिलेगी। निम्न में से जो कम होगा, देखो नियम देखना पड़ेगा, हमको भी नियम कानून देखना पड़ता है। इतना हुआ, अब आपके सामने है सूत्र, पहले लिखना पड़ेगा सूत्र। ऐसे लिखना पड़ेगा, सूत्र होता है रेंट पेड, सूत्र होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, 10% ऑफ टोटल इनकम, अथवा सूत्र दिया गया है 5000 पर मंथ अथवा 25% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है 25% ऑफ टोटल इनकम। अब आपको क्या करना है, इसी सूत्र पे रखना है रेंट पेड इन्होंने कितना किया है 56000, रेंट पेड इन्होंने कितना किया है 56000, यहाँ लिख लो 56000 माइनस ये इनकम हटा देते हैं, यहाँ लिख लो इनकम, ठीक है माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब है 583000 में से 43000 और 9000 माइनस कर दो, ये दोनों माइनस कर दो, 43000 और 9000 माइनस कर दो, 5000 पर मंथ, 583000 एक बार फिर समझिए, निम्न धारा 80 जीजी के अंतर्गत एक कटौती किसे मिलेगी, जो गैर वेतनभोगी है जिसे मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है उसके लिए। निम्न में से जो कम होगा कर मुक्त, रेंट पेड किया 56000, 10% ऑफ टोटल इनकम तो 583000 में से ये छूट घटाने के बाद, 80% से 80% की छूट घटाने के बाद 80% तक की जो भी दो अन्य छूटे हों 9000 घटा दिया, जो बचा उसी का कै परसेंट निकाला जाएगा 10%, जो बचेगा उसी का 10% 53100 आएगा, तो इसका मतलब 56000 में 53100 माइनस कर दिया जाएगा तो आएगा कितना 2900। समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर समझ लीजिए, जितना रेंट पेड किया 10% ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम का मतलब होता है 583000 में ये सब घटा दो, ये कटौती घटा दो तब तो इसी घटाने के बाद जो आएगा उसी का 10% रखा गया है, 5000 पर मंथ 25% ऑफ, इतना घटाने के बाद समझ में आ रहा है 583000 में 43000 और 9000 घटाने के बाद 531000 आएगा, 531000 का 25% रख दो, जब 25% रखा जाएगा तो आएगा 132750, 132750 जो गोला मैंने किया इन दोनों। आपको यहाँ पर ध्यान देना है तीनों में जो कम होगा कर मुक्त होगा, छूट मिल जाएगी, जब घटाया जाएगा तो यहाँ पर आएगा 54900, 54900 जब घटा लिया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5,28,100, 5,28,100
ए आया टोटल इनकम। देखो भाई, आपको एक बार फिर से समझना है ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई मुसीबत ना हो। सब कुछ आपको समझ में आया होगा, ए भी आया, ए भी आया, ए भी आया, ये सब छूट मिलती है, ए भी आया, ए क्यों, इसमें क्यों कर दिया, ए छूट एक बार फिर से हम बता रहे हैं ताकि आपको पूछना ना पड़े। धारा 80GG कहता है, गैर वेतन भोगी ने अगर किराए का भुगतान किया है, मकान किराया भत्ता उसे नहीं मिला है, तो उसको छूट मिलेगी निम्न में से जो कम होगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी टोटल इनकम, 10% ऑफ टोटल इनकम। रेंट पेड किया 56,000, 10% ऑफ टोटल इनकम का था मतलब 5,83,000 में एक कटौती जो है इसको घटा दो, ठीक है, तो कितना आएगा, जो भी है 5,31,000 आएगा, 5,31,000 का 10% माइनस कर देंगे आएगा 2,900, 5,000 महीना सूत्र में है, 25% आप टोटल इनकम, 5,31,000 कहाँ से आया, यही घटाया गया तो इसी 5,31,000 आया, 1,32,750 का 25% निकाल लिया गया, ठीक, ये आपका तीनों में जो कम होगा उसी की छूट, ये सब ऐड करके माइनस कर दिया गया, टोटल इनकम आ चुका है। अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, आपको ध्यान देना है टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, ठीक। तो टैक्स लायबिलिटी के लिए बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। इनकी उम्र 70 वर्ष है, टैक्स लायबिलिटी, जिस व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष होती है उसके लिए नियम क्या होता है, उसके लिए नियम क्या है, उसके लिए नियम है टैक्स ऑन 5,28,000 इसी टैक्स निकालना है। लिखा जाएगा फर्स्ट, आपको यहाँ पर ध्यान देना है 5,28,100 है, यहाँ 100 मैंने नहीं लिखा, यहाँ 100 लिख देते हैं। फर्स्ट 2,50,000 पर निल होता है टैक्स, नेक्स्ट 2,50,000 5%, भाई 5,28,100 माइनस 2,50,000, ठीक है, तो पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं, 2,50,000 पे 5% 12,500 टैक्स आ जाएगा। आपको ध्यान देना है बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा 28,100 के परसेंट 20% टैक्स। इसमें जो आंसर आपकी बुक में दिया है सामान्य नागरिक माना है, 70 वर्ष नहीं माना है, 28,100 × 20/100 5,620 ऐड कर लिया जाएगा 18,120 प्लस करेंगे सरचार्ज, सरचार्ज नहीं है 18,120 प्लस करेंगे एजुकेशन एंड हेल्थ का 4% जोड़ दीजिए 18,120 × 4/100 728 यानी 729 मान लो इसको, 729 प्लस 18,120 18,849 आ रहा है, यानी कि टैक्स लायबिलिटी 18,850 ये आपका टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। देखो फिर से 5,28,100 यहाँ पर लिखना है आपको, फर्स्ट 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं, 2,50,000 पर 5% जो बचेगा उस पर 20% लगा देना है, जोड़ लेना है 18,120 इसको भी, सरचार्ज इसमें एजुकेशन का है 4% 18,850 टोटल टैक्स देना पड़ेगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं।